साल पहले कहीं दूर एल्व्स की जमीन पर 3 एल्व्स रहा करते थे। ये एल्व्स अच्छे दिल वाले संत बनने के लिए तैयार थे और अब निकले थे मनुष्यों की दुनिया की यात्रा करने। हमारा कर्तव्य हमारा इंतजार कर रहा है दोस्तों। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, हम भी मनुष्यों की दुनिया देखेंगे। हाँ, मैं चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति बहुत खुश रहे। और एल्व्स ने प्रवेश किया। एक पुराने घर में एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहा करते थे। बूढ़े आदमी ने अपने घर की कार्यशाला में जूते बनाकर घर चलाया था और कभी कभी उसने पुराने जूतों की मरम्मत भी की। जूते वाला कमाए हुए पैसों से नए जूते बनाने के लिए एक चमड़ा खरीद कर लाता था। एक दिन उसने अपने कमाए हुए पैसों से चमड़े खरीदे और वो घर पहुंचा। उसने जो चमड़ा खरीदा था वो जूते की एक जोड़ी बनाने के लिए पर्याप्त था। उसने टेबल पर चमड़े के टुकड़े को छोड़कर कमरे को बंद कर दिया और अपने शयन कक्ष में चला गया। सुबह जब वो जाग गया, अपने बिस्तर में बैठकर उसने एक जोरदार आलस दिया। उसने जूते के प्रकार के बारे में सोचा जो वो बनाने जा रहा था और हर सुबह की तरह उसने नाश्ता खाया जो पत्नी ने बनाया था। डियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अब काम पर चलना चाहिए। आज मैं बहुत ही अच्छे जूते बनाऊंगा। कल रात आपने जूते की एक जोड़ी बनाई, क्या आपके पास एक और जोड़ी बनाने के लिए पर्याप्त चमड़ा है? बूढ़ा आदमी हैरान रह गया क्योंकि वो जानता था कि उसने कल रात सोने से पहले कोई जूता नहीं बनाया। इसलिए बूढ़ा आदमी जल्दी से अपनी कार्यशाला में भाग गया। उसकी पत्नी भी उसके पीछे गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो क्या देखता है, चमड़े का टुकड़ा जो उसने रात को सोने से पहले टेबल पर छोड़ा था वो अब बहुत सुंदर जूते में बदल गया था। जूते वाले की आंखें ये देखकर फटी की फटी रह गई। मैंने ये जूते कब बनाए, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे लगता है मैं सच में बूढ़ा हो गया हूँ। जूते इतने सुंदर थे कि जूते वाले ने उन्हें तुरंत खिड़की के सामने रखा और ग्राहक का इंतजार करने लगा। कुछ ही समय में एक अमीर दिखने वाले ग्राहक ने खिड़की से जूते को देखा और अंदर आया। सुप्रभात, मैं खिड़की के सामने रखी जूतों की जोड़ी खरीदना चाहता हूँ, उसकी कीमत चाहे कितनी भी हो। मैंने आज तक इतने सुंदर जूते कभी नहीं देखे। बड़ी खुशी से बूढ़े आदमी ने जूते की जोड़ी बेची और उसने उसकी सही कीमत से ज्यादा कुछ नहीं मांगा। इस बार जूते वाला जूते के दो जोड़े के लिए चमड़े लेने बाजार जा रहा था और फिर उसने टेबल पर चमड़े को छोड़ दिया और कमरे में चारों ओर घूम आया, चमड़े के टुकड़े पर एक नजर और डाली और बिस्तर पर चला गया। जैसे ही वो जाग उठा वो सीधे अपने वर्कशॉप में गया। इस बार अद्भुत जूते के दो जोड़े टेबल पर थे। इस बार फिर जूते वाला बहुत खुश था। उसने जूतों को खिड़की के सामने रखा। उसी दिन उसने जूते के दोनों जोड़े बहुत अच्छी कीमत में बेच दिए और वो फिर से और अधिक चमड़े खरीदने के लिए चला गया। मन ही मन वो सोच रहा था कि जूते के ये सुंदर जोड़े कौन बना रहा है। उसने चमड़े को मेज पर रखा और अपने कमरे में गया। सुबह उसके पास मेज पर जूतों का ढेर था। जूते वाले ने उस दिन सारी जोड़ियां बेच दी। बहुत लंबे समय तक बूढ़ा आदमी जूते से बने पैसों से घर चला रहा था। कमाए हुए कुछ पैसों से उसने चमड़ा खरीदना जारी रखा। लेकिन जूते वाला जानने के लिए उत्सुक था कि जूतों के इन जोड़ों को कैसे और कौन बना रहा है। आखिर एक रात उन्होंने अपनी कार्यशाला की कोठरी में छिपने का फैसला किया और पता लगा ही लिया कि जूते कौन बना रहा है। आज रात मैं जूते बनाने वालों को ढूंढ कर ही रहूंगा। मध्य रात्रि के समय कार्यशाला की खिड़की खोली गई और एल्व्स ने प्रवेश किया। एल्व्स में से एक गलती से फूलदान पर कूद गया।
शोर सुनकर बूढ़ा आदमी अपने जगह से बाहर कूद गया। जरा सावधान रहिए, वो जाग जाएंगे। जब बूढ़े आदमी ने दरवाजे को धक्का दिया और चुपके से बाहर आया तो वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उसने अपनी आंखों को रगड़ा, फिर से देखा और उसने देखा कि मेज पर तीन एल्फ्स थे। वे नृत्य और काम एक साथ ही कर रहे थे। उनमें से एक ने चमड़ा काटा, एक सिलाई कर रहा था और दूसरा उन्हें चिपका रहा था। फिर उन्होंने लेस को बांध दिया और जूते को पॉलिश किया। एल्फ्स इतनी तेजी से काम कर रहे थे कि पलक झपकते ही टेबल पर जूतों के अनगिनत जोड़ थे। वो सब सुंदर है। चलो किसी के जागने से पहले निकल जाते हैं। जैसे ही वे आए थे वैसे ही एल्फ्स चले गए, हंसते खेलते नृत्य करते करते। जूते वाला अपनी छिपी हुई जगह से बाहर आया। वो अपनी पत्नी के पास भागते हुए गया और जो कुछ हुआ उसे बताया। स्वाभाविक है, उसकी पत्नी ने जो सुना उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब उसने टेबल पर रखे जूतों के अनगिनत जोड़ों को देखा, उसे पता था कि उसका पति एक रात में इतने जूते नहीं बना सकता। एल्फ्स ने जो भी किया उसके लिए उन्हें धन्यवाद देने की बात पर दोनों सहमत हुए। अगले दिन पुराने जूते वाले की पत्नी ने दावत तैयार की। मध्य रात्रि में एल्फ्स वर्कशॉप में पहुंचे। उन्होंने मेज पर दावत देखी। अरे ये खाना तो देखो, कहीं ये हमारे लिए तो नहीं बनाया गया? बेशक ये हमारे लिए है मूर्ख, अन्यथा भी इस समय क्यों लाएंगे? मुझे लगता है हमारा इस घर का मिशन पूरा हुआ। अब हमें दूसरे घरों में जाना चाहिए जिन्हें हमारी मदद की जरूरत हो। जूते वाला और उसकी पत्नी जाग गई और कार्यशाला में चले गए। उन्होंने जो खाना छोड़ा था उसकी जगह पर उन्होंने चमकदार जूतों का ढेर देखा। उस दिन के बाद एल्फ्स कभी वापस नहीं आए। बूढ़े जूते वाले और उनकी पत्नी ने अपने शेष जीवन के लिए पर्याप्त पैसे प्राप्त कर लिए थे। जूते वाले ने सोचा कि इतने सालों की मेहनत के बाद उसे ये अवार्ड मिला है। यही कारण है कि उसने जूते बनाना कभी बंद नहीं किया। और जब उन्होंने छोटे एल्फ्स के बारे में सोचा, वो हमेशा उनके लिए कृतज्ञ और आभारी थे।